हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, अब जो है टोटल है 33 क्वेश्चन। कितने हैं? 33। तो पांच क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट देख लो। तो भाई ए बी लाइन सेगमेंट एक है हमारे पास, जो कि पॉइंट है -10.4 और -2.0। पी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो क्या हम पी पॉइंट निकाल सकते हैं? तो पी पॉइंट क्या आ जाएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये माइनस का 12/2 से -6.2 आ जाएगा पी पॉइंट। और ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है वो लाई करता है एक सीडी लाइन पे, एक सीडी लाइन है ये। और यहां पे पी पॉइंट कहीं लाई कर रहा है, क्या लिखा है? जो ये मिड पॉइंट है पी, वो लाइज ऑन दिस लाइन सीडी, ठीक है। और बोला किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये तुम्हें बताना है। तो हमने मान लिया, जब भी कोई रेशियो का क्वेश्चन होता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला के रेशियो वन मानते हैं। क्या मानते हैं? के रेशियो वन, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो जरा। तो पी पॉइंट क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूले से? के इंटू -4 यानी -4k, 1 × -9 यानी कि -9 अपॉन के प्लस वन, कॉमा के इंटू वाई, 1 × -4 यानी -4/k+1, यही तो आएगा। अब आपको ऑलरेडी पी पॉइंट तो पता है, तो इसका -6 है और यहां पे ये है, तो -4k+9/k+1 जो है, क्या वो -6 के बराबर हो जाएगा? तो -4k+9 जो है वो -6 हो जाएगा। इसको इधर लाओ, 6k-4k, 9 - 6, ये क्या आपका 15/2 आ रहा है? क्या ये 15/2 आ रहा है? माइनस का 9 होगा, कोई बच्चा बोल रहा है। अच्छा, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 9 है। कितना बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी खुशी होती है जब बच्चे इतना ध्यान से पढ़ाई करते हैं। तो क्या ये 2k = 3 आया? तो क्या k की वैल्यू 3/2 आ गई? यानी रेशियो मिल गया हम लोगों को, रेशियो तो मिल गया 3/2। चेक करो, क्या रेशियो 3/2 है? क्या रेशियो 3/2 आ गया? ठीक है, अब रेशियो अगर ये 3/2 आया है, अब हमें देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो के वाई माइनस 4/k+1 किसके बराबर है? 2 के। तो अब हम k की वैल्यू पुट कर देंगे और y निकाल लेंगे। चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, के वाई माइनस 4 = 2k+2 ये आ जाएगा। अब k की वैल्यू पुट कर दो, कितनी? 3/2 आई थी ना, तो 3/2y - 4 = 2 × 3/2+2, 2 से 2 कट गया, 3/2y - 4 = 3+2 = 5 हो गया। तो 3/2y = 5, और ये इधर जाएगा 4, 9 हो जाएगा, 3, 3 = 9, तो क्या y 6 आ जाएगा? क्या y 6 आ रहा है? खुद से करिए कैलकुलेशन। डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।